सिद्धरा, थोड़ा सा खाना खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया, बीमार हो जाओगे इस तरह। मेरी खुशी की खातिर थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए, कम से कम इन तकलीफों से तो छुटकारा मिलेगा। मैं भी इस रोज रोज की अजियत से तंग आ गई हूं सिद्रा। मैंने मन्नत मानी, जब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम मिलकर गरीबों को खाना खिलाएंगे। अब जल्दी से खाना खत्म करो, मैं जूस लेके आती। विशाल, मुझे और आरिफ दोनों को बहुत अच्छी, अपनी कोई भी बात मनमानी हो हमसे यूं मनवाते हैं। लेकिन एक फायदा भी है कि अम्मी से कोई बात मनवानी हो विशाल को मना दो, मतलब अम्मी भी मान जाएंगी। जाहिर है, तुम लोग की अखलौती बहन है, अपने दुख सुख तुम लोगों से तो शेयर करेगी वो। हाँ, लेकिन गुड़िया के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसको गुड़िया की शक्ल में एक बहन मिल जाएगी और मेरा काम तो सुकून से होगा। यू नो, गुड़िया हर एक के मिजाज को बहुत अच्छी तरीके से भांप लेती है और उसके मुताबिक एडजस्ट भी हो जाती है। आई एम सो लकी टू हैव। मेरे अमल के दिन करीब आते जा रहे हैं और फिरोज अभी तक वापस नहीं आया। कोई बात नहीं, जितनी उड़ान भरनी है भर लो फिरोज, आखिर में तो तुम्हें मेरी गुलामी ही करनी। वहां क्या है? वहां सर्वेंट क्वार्टर है। और कौन रहता है सर्वेंट क्वार्टर में? मुलाजिम है हमारा। रुक जाए। आप लोग यहीं रहे। Thank you.
फिजर किधर है? पता नहीं, चला गया होगा किसी काम से। उसके आने जाने का कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, से कौन से काम है रात भर जो तुम्हारे खत्म ही नहीं होते? दादू की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका सर दुबा रही थी। हाँ, दादू की तबीयत तो ठीक ही नहीं होगी ना, घर से हर वक्त जो बाहर रहती हो। क्या मतलब है घर से हर वक्त बाहर रहती हूँ? आरेप के साथ देखा था मैंने। हाँ, वो मॉल में मिल गया था तो मुझे घर ड्रॉप करने आ गया। झूठ बोल रही हूँ, मेरे साथ जा रही थी ना उसके साथ कहीं? चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? क्या चक्कर? हाँ, तुम लोगों की मुलाकातों का चक्कर। क्या खिचड़ी पकड़ी? बस हसन, बहुत हो गया, जो मुंह में आ रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद हसन की फैमिली से दूर रहना तुम, नहीं तो टांगे तोड़ के ना घर के कोने में फेंक दूंगा तुम्हारी। जानती नहीं हो तुम मुझे? यही तो जानना चाहती हूँ कि किस हद तक गिर सकते हैं। देखा नहीं है तुमने मुझे? बढ़िया है। ये डोरी किसी दरवाजे पे बंद ताले के जैसी है। लैला, मैंने ऐसे ही एक धागा तुम्हारे कमरे की खिड़की पे बांध दिया है। याद रखना कि जब तक ये धागे इस घर में बंधे रहेंगे, कोई भी पुरुषार्थ ताकत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। और वो पानी? जी, वो मेरे पास है। इस पानी को जाके घर के चारों कोनों में छिड़क दो। और एक बात याद रखना, ये अमल बाकायदगी से करना है। एक दिन भी नागा आया तो सारा अमल जाया हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ फिरोज, इतने परेशान क्यों हो तुम? क्या अपनी लैला से मिलकर नहीं आए? क्या किसी ने हमला किया है तुम पे? हाँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया। वो दलाल तो मेरी जान के पीछे पड़ गया। ऐसा लगता है कि मेरी जान लेकर ही चैन से बैठेगा। उसके अमलों का मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा। पड़ गई ना तुम्हें मेरी जरूरत? कहा था मैंने तुमसे, इस दुनिया में इंसानों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें बार बार मेरी जरूरत पड़ती रहेगी, लेकिन तुमने कभी मेरी बात को संजीदा नहीं ली। खैर, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मैं अपने अमल से तुम्हें लाफानी कर दूंगी, फिर चाहे वो तलाल हो या कोई भी आमिर, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन लेकिन बस एक बात याद रखना। वो क्या? तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा मेरे पास, जब तक मैं वो अमल कर रही होंगी। क्योंकि अगर तुम चले गए तो वो अमल अधूरा रह जाएगा और तुम्हारी ताकतें तुम्हें पूरी तरह नहीं मिल पाएंगी।
गुड़िया मैं बेवफा नहीं हूं। क्यों आया हो खर्चा यहाँ तो? चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से खर्चा। दरअसल साहब मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने आप जैसे शरीफ इंसान को धोखा दिया और आज मुझे उसकी सजा भी मिल गई। मैडम नीलोफर ने मुझे अपने ढेरे से धक्के देकर निकाल दिया, मैंने सारी जिंदगी उसकी खिदमत की, उसने जो कहा उसकी हर बात मानी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजरों में मेरी कोई कदर नहीं। दलाल साहब मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। अब तुम्हारी कभी किसी बात पे मैं भरोसा नहीं कर सकता खर्चा, अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ और आइंदा कभी यहां वापस मत आना। आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, बेशक बेशक मेरी जान ले ले, लेकिन लेकिन मैं आपसे माफी लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी गलती कोई इतनी मामूली नहीं है खर्चा, जिसकी मैं सजा तजवीज कर सकूं। तुमने मेरा मान ही नहीं तोड़ा खर्चा, मेरे सालों की मेहनत पर पानी भी फेर दिया। खत्म हो चुका है सब कुछ खर्चा, और वैसे भी खर्चा अब तो यहां कुछ भी नहीं है जो तुम चुरा सको, तो चले जाओ। एक बार धोखा खा चुका हूं तुमसे, दोबारा नहीं खाऊंगा। दलाल साहब मैं जानता हूं मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे अपनी गलती का अजाला करने का एक मौका आपसे चाहिए, सिर्फ एक मौका। सर मैं आपको बताऊंगा कि मैडम नीलोफर को उस किताब के जरिए जिन्नात को काबू करने से कैसे रोका जा सकता है। से एक मिनट, मैं अभी बात करता हूँ तुमसे। ओके राशिद साहब, तो आप सर्वे कब करवा रहे हैं? कल आप इसी वक्त आ जाइए, साथ चलते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके राशिद साहब, फिर मुलाकात होगी। हाँ शम्स, सॉरी लगता है मैंने गलत टाइम पर फोन कर दिया, बिजी होता हूँ। अरे नहीं यार, ऑफिस के काम तो सारे दिन चलते रहते हैं, तुम बताओ सब खैर खैरियत? खासी बस मैंने तुम्हें ये कहना था कि वो जो तुम्हारा पुराना घर है जो बंद पड़ा हुआ है, उसे खुलवा कर एक दफा अच्छी तरह सफाई करवा लो, क्योंकि उस घर की हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे इस घर के जहां तुम रह रहे हो। मावराए मखलूक का गुजर कहीं से भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जगह को आसेब ज़दा करार देकर बंद कर लें। कोई खतरा तो नहीं है राशिद?
खतरा कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उस जगह को बंद करके रखते। तो ठीक है, मैं उस घर की सफाई करवाता हूँ शाम से। अल्लाह खुदा हाफिज। आ रहा हूं आ रहा हूं। कौन है? ये बच्चे भी ना। जब भी बाबा से उस घर के बारे में बात करती थी तो बाबा सख्ती से मना करते थे और उस घर को असेब ज्यादा कह के कब से बंद करके रखा था। और अब कहते हैं कि उसकी सफाई करवानी। अब अचानक से कैसे खोल दिया उस घर को, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो गुड़िया, कुछ बातों पे अगर पर्दा पड़ा रहे तो बेहतर होता है। तुम बाबा से उसके बारे में बिल्कुल बात मत करना। अगर राशिद ने वो घर खोल दिया है तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो घर अब खतरे से खाली है और तुम वहां जा सकती हो। और गुड़िया, तुम भी तो यही चाहती थी ना। तुम्हारी अम्मी की कितनी यादें हैं उस घर से वाबस्ता। जाओ उधर, अपनी अम्मी की यादों को समेटो, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा है? किसी सरोज के पीछे भागो तो जख्म तो लगते ही। आप जानती हैं, मुझे चीखें घुटी घुटी सुनाई देती हैं। आप जानती हैं, खून के छींटे नजर आते हैं हर जगह।
गुड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? इज एवरीथिंग ओके? क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? मामला क्या है? पहले खुद तो उन मामलात की तह तक पहुंच जाऊं, फिर आपको जरूर बताऊंगी। वैसे भी अभी बहुत सारे राजों पर से पर्दे उठने बाकी हैं। एक बार फिर से फिरोज मेरे कब्जे में नहीं आ सका। मेरी बहुत सारी कोशिश के बावजूद मैं उसे काबू नहीं कर सका। इसके पीछे भी मैडम नीलोफर का हाथ होगा, वरना फिरोज आपके काबू में आ जाता। लेकिन अभी भी वक्त है आपके पास। अमावस की रात में कई दिन बाकी हैं। अगर आप अमावस की रात से पहले पहले कोई अमल करके फिरोज को अपने काबू में कर लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना उस किताब के जरिए मैडम नीलोफर अमावस की रात को अमल करेगी और फिरोज को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। तो मैं कैसे बताऊं कि नीलोफर अमावस की रात को ही अमल करेगी? खुद मैंने उसके मुंह से सुना था कि वो अमावस की रात तक फिरोज पर कोई अमल नहीं कर सकती। राल साहब, आप उस रात से पहले पहले कुछ ऐसा करें कि फिरोज आपके काबू में आ जाए, क्योंकि अगर मैडम नीलोफर अपना अमल करने में कामयाब हो गई तो वो फिरोज की मदद से इस दुनिया की जिंदगी या जीरन कर देगी। ये बात तुम पहले से जानते थे? जानता था तलाल साहब, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे सिर्फ वो ही दिखाई देता था जो मैडम नीलोफर मुझे दिखाना चाहती थी। उसने जब धक्के देकर मुझे अपने डेरे से निकाला, मुझे अब अंदाजा हुआ कि मैडम नीलोफर कितनी खतरनाक औरत है। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस दुनिया को आग तक लगा सकती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। क्या? फिरोज इतना बुरा जिन नहीं है। वो लैला की मोहब्बत में दीवाना जरूर है, शायद इसीलिए उसने कुछ इंसानों का कत्ल कर दिया। लेकिन अगर वो मैडम नीलोफर का गुलाम बन गया तो मैडम नीलोफर उससे कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। यार गुड़िया, ये मेरी शर्ट का ना बटन निकल गया है, तो लगा दोगी? तुम्हारा तुम ऐसी बातें किया ही ना करो कि मुझे गुस्सा आया करे या मेरा मूड खराब हो। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बीवी कोई जर खरीद गुलाम नहीं होती है। कितनी लान तान के बाद भी जी हजूरी करती रहे,
वो भी एक जीती जागती इंसान होती है, उसकी भी फीलिंग्स होती है, ईगो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, फिर वो जैसी भी हो हर हाल में कबूल होती है। सिद्रापी की वजह से रो रही है ना? नहीं, ऐसे ही सब याद आया ना तो आंखें भर आई है। अम्मी, हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब आप भी ऐसे परेशान और रोएंगी तो सिद्रापी को कौन संभालेगा? लारे बापी की तो शादी हो गई, वरना वो हम सबको संभाल लेती थी। अम्मी, अब आपने ही हमें संभालना है। तुम क्यों रो रही? मैं हूं ना, और तुम तो मेरी सबसे बहादुर बेटी हा? आप खुद रो रही हो, मेरे आंसू साफ कर रही हैं। आपके आंसू कौन साफ करेगा? मेरे आंसू तुम साफ करो, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा। की बात नहीं मानूंगा। इतनी हत्ती लड़की को तुम लोगों ने अगवा किया, बुजदिल कहेंगे। क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हारी और मेरी परेशानी मिटाने का एक हल है मेरे पास। क्या मतलब? यह हल है कि हसन तुम्हारा हो जाएगा और गुड़िया मेरी बन जाएगी।
चित्रा, ये क्या हालत बना रखी है? टंके पाओ चित्रा, तो मुझे छोड़ो इसे, मार दूंगी जान से। अम्मी मार दूंगी जान से। तो मुझे क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ये कहाँ जा रही थी? अभी क्या हो गया? छोड़े इसे। चित्रा क्या हो गया? क्या कर रही है आप? चले अंदर चले। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? चले क्या हो गया? चलो अंदर चलो। चलो सुंदर नहीं छोड़ो, अंदर चलो, छोड़ दे मुझे, अंदर चले, अंदर चलूंगी। देखिए मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अगर आपको मेरी तफ्तीश पर यकीन नहीं है तो ठीक है, आप बेशक ऊपर चले जाएं, जो चाहे वो करें, मगर मेरी तरफ से अब ये केस क्लोज हो चुका है। अब मजीद मैं इस केस पर काम नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, एक इंसान जिसकी शादी हो रही थी और वो भी उस लड़की के साथ जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, वो कैसे खुदकुशी कर सकता है? सोचे जरा। देखिए बाज दफा जो हमें दिख रहा होता है ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि वो गुड़िया से मोहब्बत करता ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसने ये शादी किसी मजबूरी के तहत की हो। हैरत हो रही है मुझे, केस क्लोज होने के बाद भी आपका रवैया मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ना तो कोई ठोस सबूत है आपके पास, ना ही कोई ऐसी बात जो मुझे मुतमईन कर सके। मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो इस केस की तफ्तीश के दौरान मेरे सामने आई है। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है जो आप हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी है आपके इस फैसले से मरने वाले के साथ कितनी नाइंसाफी होगी? खैर आप जो मर्जी कर लें, मेरे भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा और उसे इंसाफ दिलवाऊंगा मैं। सॉरी शम्स, मेरी वजह से एक बार फिर तुमने अपनी जान को खतरे में डाला। खुदा ना ख्वास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हमला बहुत शदीद था लेकिन परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शम्स भाभी भी यहाँ पर नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर रह जा। नहीं इसकी जरूरत नहीं, जब अल्लाह ने जिंदगी बचाई है तो उसका वसीला भी कर देगा। फिलहाल तो मुझे उस पुरसरार मखलूक के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है। शम्स वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी तो हो सकती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है यार, समझने की कोशिश करो। तुम कैसे काबू करोगे इसे? उस साए को काबू करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। ये पुरसरार कुवत मुझे डरा कर मुझे मेरे मकसद से हटाना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उधर पिंकी के घर पर भी पुरसरार वाकयात हो रहे हैं। नायला बहन ने तलाल को बुलाया था अपने घर। पिंकी की फिक्र मत करो, पिंकी बिल्कुल महफूज है, उसे कुछ नहीं होगा। जहां तक नायला और अनाया का ताल्लुक है तो उनकी बात अलग है। कभी कभी इंसान के अंदर का शैतान उसके सामने आ जाता है और उसकी जान ले लेता है। मैं समझा। सबर करो, वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता इस गुत्थी की सारी ग्रह खुल जाएंगी। मैंने जो तुमसे कहा था वो फौरन करो। आसिर ज़दा घरों की मिट्टी और आईने पुरसरार कुवतों के लिए रास्ते का काम करते। अपने घर की फौरन सफाई करवाओ, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो।